वरना फ़दिया देने से इंशाल्लाह जैसे ये मसला तो हल हो जाए तो रोज़े का फ़दिया दे दिया गया था। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई, आपने जैसा बताया कि जो भी इफ्तार जल्दी करता है उसको अजाब होगा, लेकिन मोहम्मद से हदीस आती है कि लोग जब तक सीधे रास्ते में रहेंगे जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करें। मैंने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि जो लोग इफ्तार जल्दी करते थे उनके जबड़े चीरे जा रहे हदीस में, और आपने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत हिदायत पर रहेंगी सही रास्ते पर रहेंगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेंगे, इसका क्या माना? देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे वो ये है कि सूरज गुरूब होते ही इफ्तार कर लो, मतलब मगरिब का वक्त शुरू होते ही इफ्तार करो, एहतियातन ताखीर ना करो, ये माना है। लेकिन जल्दी से मुराद ये नहीं कि उसके वक्त से पहले, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए 7:14 का, 7:16 समझ लीजिए हमारा वक्त है कि यहाँ इफ्तार की जाए, तो एहतियातन ना रुके रहो कि 26 तक रुक जाएंगे ताकि पूरे शुअर हो जाए कि सूरज गुरूब हो गया, ज़रूरत नहीं है। आप फिर 7:16 को इफ्तार कर, ये माना है। लेकिन इसका हरगिज़ माना नहीं कि इफ्तार में जल्दी करो मतलब 7:06 पर हम खा लेंगे। सूरज गुरूब होने के बाद खामोखा ताखीर मत करो, ये माना है। वो लोग जिनको सज़ा मिल रही है जहन्नुम में जो उल्टे लटके हैं जो इफ्तार जल्दी करते थे, वो लोग हैं जो इफ्तार का वक्त नहीं हुआ उससे पहले इफ्तार कर रहे जबकि उनको पता है कि वक्त नहीं हुआ, जैसे कि 7:16 पर इफ्तार है और वो 7 कर ले रहे हैं, या फिर जब तक लोगों में इफ्तार नहीं करे लोगों से निकले अब कौन देखने वाला है और खाना खा ले रहे, समझ रहा, ये उसका माना होगा। तो इफ्तार में जल्दी से मुराद उसका वक्त शुरू होते ही है, और जबकि हदीस में जो बात आ रही है वो लोग है जो इफ्तार का वक्त हुआ ही नहीं उससे पहले जो है खाना खा लेते हैं, वो उससे मुराद है। किसी ने सवाल